welcome to our channel and today topic is comparison of different sets operation and you know very well that we have uploaded a number of videos regarding to the sets operations and yesterday we have uploaded our last video uh, regarding to the set operation and last video was complement of the set we have discussed in detail and also solved examples uh, regarding the different operation and today we are going to compare these operation one one to one okay क्योंकि ऑपरेशन इस तरह के हैं डिफरेंट ऑपरेशन इस तरह के हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ भी है और हम उनको उनकी सिमिलैरिटी की बेस पर भी लर्न कर सकते हैं और बाद क्या चीज़ उनमें ऑड है इसकी बेस पर भी कर सकते हैं क्या चीज़ सेम है क्या अपोजिट है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन सेट्स में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी और परमानेंट हो जाए ओके टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर टू सेट्स यूनियन ऑफ द सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट जब मैंने यूनिवर्सल सेट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक तरह से यूनियन सेट के की तरह का ही है ठीक है जस्ट नेम चेंज है सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है और बाकी जो है वो वही है ओके okay जी आज इनके डेफिनेशन को कंपेयर करते हैं और फिर इनके सिंबल्स को करेंगे और दूसरा इनके इग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे लेकिन साथ साथ करेंगे कंपेयर करके ताकि आपको जो है वो इसकी समझ आ जाए

ठीक है जिनको हम इनका उन दोनों सेट्स का हमने यूनियन सेट बनाना होता है और जो हमारे पास रिजल्टेड सेट आता है उसमें वो तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं जो ए और बी दोनों का हिस्सा होते हैं ठीक है अब यूनिवर्सल सेट में देखते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या होता है अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स अंडर कंसिड्रेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय यू अब यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है यूनिवर्सल सेट की भी और यूनियन सेट की भी लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है यहाँ पर हमने कहा है इट कंटेन द सेट यूनियन ए एंड बी ऑफ सेट ए एंड बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स ठीक है कि इसमें क्या होता है इसमें बोथ सेट्स के एलिमेंट होते हैं जो नया यूनियन सेट बनता है और यूनिवर्सल सेट में क्या होता है यूनिवर्सल सेट में जो है वो अंडर कंसिड्रेशन मीन्स वो सेट ए हो सकता है बी हो सकता है सी हो सकता है डी हो सकता है जो भी सेट्स जो हैं उनको लिया गया है सॉल्व करने के लिए अंडर कंसिड्रेशन है उनको लिया जाता है और जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास बनता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो तमाम के तमाम उनके होते हैं जो कि सेट ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं डेफिनेशन सेम है अब इनको हम सॉल्व uh, करने का अब ए यूनियन बी जो है उनको किस तरह लिखते हैं ए यूनियन बी सेम है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम सिर्फ यू ही लिखेंगे ओके बस ये डिफरेंस है इनको लिखते हुए इनके ऑपरेशन को लिखते हुए और इनको सॉल्व करते हुए भी सेम होगा ओके जी स्टार्ट करते हैं और इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ओके जी ये यहाँ पर सेट ए है और ये है सेट बी लेकिन ये सेंटर में मैंने यूनियन लिखा हुआ है हमने इन दोनों का सेट ए का और सेट बी का यूनियन मालूम करना है और इसके एलिमेंट कौन से हैं वन टू फाइव एट और सेट बी के कौन से एलिमेंट है वन थ्री फाइव सिक्स ओके इन दोनों का हमने यूनियन मालूम करना है अब यहाँ पर भी सेट ए है और सेट बी है लेकिन इन सेट ए और बी का हमने एक यूनिवर्सल सेट मालूम करना है इसके सेंटर में भी यू है और इसके सेंटर में भी यू है सिर्फ बोलने में ये डिफरेंस आ रहा है कि ये इन दोनों का हमने यूनियन मालूम करना है इन दोनों सेट्स का हमने यूनिवर्सल सेट मालूम करना है वी हैव टू आइडेंटीफाई यूनियन ऑफ ए एंड बी एंड हेयर यूनिवर्सल सेट इन यूनिवर्सल ऑपरेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट एंड बी अब दोनों का क्या करते हैं इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट यूनियन इज कंटेन इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट विच आर द पार्ट ए एंड बी तो जो नया सेट बनेगा जो यूनिवर्सल सेट है सॉरी सेट ऑफ यूनियन है उसमें वो तमाम एलिमेंट होंगे जो ए और बी में होंगे लेकिन इसमें क्या है जस्ट ये डिफरेंस है कि हमने इन एलिमेंट्स को दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके सीक्वेंस में लिखना है अब यहाँ पर वन है यहाँ पर भी वन है तो वन दोनों साइडों पे है वन ले लेते हैं ओके आफ्टर दैट टू है यहाँ पे टू नहीं है लेकिन हम क्या चेक करते हैं हम सीक्वेंस में चलते हैं इसलिए हमने इनको क्या करना है टू ले लिया थ्री यहां है लेकिन यहां नहीं है लेकिन हमने इसको सीक्वेंस के साथ अरेंज करना है इसलिए थ्री फोर यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है फोर के बाद क्या आता है फाइव है फाइव लिख लेते हैं फाइव के बाद क्या आता है सिक्स है सिक्स यहां है और इधर सेट ए में नहीं है लेकिन हम सिक्स को लिखेंगे क्योंकि हम यहां पर सेट का यूनियन मालूम कर रहे हैं इंटरसेक्शन नहीं मालूम कर रहे हैं और यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास जो रह गया है वो है सेट ए में से एट ये हमारा आंसर बन गया ए यूनियन बी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे जो सेट ए में भी हों और बी में भी हों सेट यूनियन में अब मैं जब इसको अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ तो ये देखें ये यू है इसका जो है गेट ओपन है ठीक है इसमें सभी एलिमेंट्स को आने की परमिशन है ये अलाउ करता है कि जितने भी एलिमेंट हैं जो अंडर कंसिड्रेशन सेट हैं जो अंडर ऑपरेशन सेट्स हैं उसके जितने भी एलिमेंट हैं जितने भी मेम्बर हैं उन सबको आने की परमिशन देता है अलाउ करता है ये इसका साइन जो है वो इस तरह इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ये तो हो गया यूनियन ऑफ द सेट अब देखते हैं यूनिवर्सल ऑफ द सेट अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन दैट इट इज डिनोटेड बाई यू ओके कैपिटल यू सेम उसी तरह है जिस तरह ये है ठीक है यूनियन ऑफ द सेट है डेफिनेशन भी बिल्कुल वही है और यहाँ पर इसके ऑपरेशन का जो तरीका कार है वो भी वही है हमने इसमें भी क्या करना है वन है यहाँ पे तो वन से स्टार्ट करते हैं वन लिया वन के बाद टू है जी सेट बी में टू लिया थ्री है सेट ए में तो इसको थ्री लिया फोर सेट बी में है फोर लेते हैं फोर के बाद फाइव इधर है तो इधर से फाइव आ जाएगा सिक्स सेवन सेट ए में से एंड लास्ट वन एट सेट यूनियन ऑफ द सेट एंड यूनिवर्सल सेट जब आप ये दोनों सेम हैं इनका मैथड सेम है हर चीज सेम है जस्ट इनके सिम्बल्स जब आप सॉल्व करेंगे बस इसका आपने ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है फाइंड आउट द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी आर सेट सी डी आर सेट ई एफ आर जो भी अंडर कंसिडरेशन सेट होगा होंगे लेकिन दोनों का प्रोसीजर सेम है रिजल्ट सेम है आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व Union of the set and universal set, just in one step. Okay, thank you so much. After watching this video, please subscribe our channel because our channel uh, share some smart techniques to you and ये आपकी student की और आपके बच्चों की learning को आसान बनाता है. Okay जी, subscribe करना मत भूलिएगा हमारे channel को. हम इसी तरह की और video आपके साथ share करेंगे और अभी sets के operation का ka compare करना रहता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन को कंपेयर करेंगे और सेट ऑफ डिफरेंस को हम को आपके साथ शेयर करेंगे और उनकी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे